आज हम लोग बनाएंगे गुपचुप के लिए जो चटनी होती है ना वही। देखिए एकदम खट्टी मीठी सी एक चटनी और साथ में हम लोग बनाएंगे तीखा स्पाइसी वाला एक चटनी। चलिए आज हम लोग घर पे ही गुपचुप का आनंद उठाएंगे। पहले हम लोग इमली को आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि इमली नरम पड़ जाए, उसका पल्प निकालने में हम लोगों को आसानी पड़े। देखिए मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगो कर रख दिया था। अब हम लोग हाथ से इसको इस तरह से मसल लेंगे। आप चाहें तो बाजार में बिना बीजे वाला इमली भी मिलता है, तो अगर आप वो भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बीजे वाला ही इमली ली हुई हूँ, तो मैं इसको इस तरह से मसल के इसका पल्प को निकाल लूँगी। मसल के अच्छे से पल्प को निकाल लिया है। अब हम लोग एक कटोरी ले लेंगे और एक छन्नी इस तरह से। अब इसके अंदर हम लोग इसको डाल के इसके जो रेशे और बीजे हैं ये सबको अलग कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको छान के अलग कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से आप जैसे एक चम्मच की मदद से भी आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। तो नीचे देखिए इसका जो पल्प है ये देखिए नीचे जमा होकर जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको घुमा घुमा के इसके पल्प को पूरा निकाल लेंगे। ये काफी ठीक सा एक इमली का पल्प निकल के आ गया है। अब हम लोग एक ड्राई कढ़ाई बैठाएंगे और इस कढ़ाई में हम लोग डाल लेंगे इस इमली का पल्प को। देखिए इसको डाल के हम लोग चला लेंगे। हम लोगों को इसको थोड़ा पकाना है गुड़ के साथ। आप थोड़ा सा गुड़ ले लें और इस गुड़ को इसमें डाल लें। देखिए इस तरह से आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। ये देखिए मैं और थोड़ा सा गुड़ डालूंगी इसमें क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टी मीठी चटनी चाहिए। और इसको इसमें अच्छे से हम लोग मेल्ट करेंगे, चलाते हुए मेल्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग थोड़े देर में चलाते रहेंगे क्योंकि ये देखिए गुड़ जो है अभी तक पूरा मेल्ट हुआ नहीं है, तो हम लोग को ये गुड़ को इसके साथ पूरा मिलाना है। जैसे ही ये गुड़ देखिए मेल्ट होने लग जाएगा हम लोग इसको अच्छा सा फल जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। ये जो चटनी है ये खट्टी मीठी बननी है तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी रहेगा, थोड़ा सा खट्टा भी रहेगा, थोड़ा सा मीठा भी रहेगा। चलिए ये जो है ये काफ़ी रिड्यूस हो गई है और देखिए ये पूरा देखिए ये जो कैची है इस पर खुंती में पूरा लग रहा है। आपको इतना ही गाढ़ा करके रखना अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो। इस पर हम लोग मिला लेंगे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर क्योंकि ये तीखा खट्टा मीठा बनेगा, इसलिए थोड़ा सा मिर्ची पाउडर आप इस पर डाल दें और साथ में डालें काला नमक। काला नमक जो आपके इस चटनी का स्वाद को बढ़ाएगा। अगर जब आप इसको पानी में घोल लेंगे अगर आपको नमक की मात्रा कम लगे तो आप उस समय सादा नमक थोड़ा सा डाल लीजिएगा अगर आप ज़्यादा नमक प्रेफर करते हो तो। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, यानी कि जो जीरा होता है साबुत जीरा उसको हम लोगों ने एक तवे पे रख के सूखा ही उसको फ्राई कर दिया था, मतलब ड्राई रोस्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद उसको ठंडा करके हम लोगों ने उसको पीस के पाउडर बना लिया है। देखिए ये बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको हम लोग करेंगे ठंडा और इसको कर लेंगे स्टोर। खट्टी मीठी चटनी के लिए जो चटनी हम लोगों ने बनाई है अब इसको हम लोग एक बोल पर शिफ्ट कर लेते हैं। आपको जितना चाहिए आप उतना यूज़ करें, पूरा एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको, आप बाकी का स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लेने के बाद इसमें हम लोग मिला लेंगे पानी और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। मसाला सब हम लोगों ने डाल के ही पहले रखा हुआ था, कुछ भी नए से आपको इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर एक बार आप टेस्ट करके देख ले अगर नमक थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और मिला लें। तीखा तो काफ़ी मात्रा में डला हुआ था तो ये खट्टी मीठी ही चटनी है तो इसमें बहुत ज़्यादा तीखा आपको अच्छा लगेगा नहीं, तो
देखिए ये बनके हमारा तैयार है खट्टी मीठी चटनी। अब इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। देखिए इसका कलर देखिए, लग रहा है ना जैसे कि गोलगप्पा आप लोग बाहर खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, उसी तरह का पानी है ये। बहुत ही बढ़िया खट्टास, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही खट्टी मीठी सी स्वाद, एक नंबर बनके तैयार हुआ है। आप बिल्कुल इसी प्रोसेस में बनाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ आपका भी इतना ही अच्छा बनके तैयार होगा। पानी जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप धनिया पत्ता ले लें, एकदम फ्रेश ताज़ा धनिया पत्ता, और इसको ना बहुत अच्छे से पानी से वॉश करिए 2 से 3 बार, ताकि इससे गंदगी जो है वो पूरा निकल जाए। साथ में आपको चाहिए कुछ पुदीने के पत्ते, जितना मैंने धनिया पत्ता लिया है उसका जस्ट आधा पुदीना का पत्ता, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और साथ में चाहिए हम लोगों को कुछ हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का, इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम लोग लेंगे एक मिक्सी का जार इस तरह से। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे ये धनिया के पत्ते, साथ में हम लोग इसमें डालेंगे पुदीना के पत्ते, जितना धनिया उसका आधा पुदीना, और साथ में डालेंगे हम लोग ये जो हरी मिर्च हम लोगों ने ली हुई है, ये हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि जो चटपटा पानी होता है उसमें बहुत से लोग लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी, इसीलिए मैंने हरी मिर्च की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। और डालेंगे एक टुकड़ा अदरक का। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। मैंने इसको पीस के तैयार कर लिया है। अब इसको एक बोल में हम लोग निकाल लेते हैं, और ये देखिए वो इसको ही करना है, पूरा बोल से हम लोग पूरा निकाल लेंगे। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले ये काला नमक आप मिला लें, साथ में आप डाल लें भुना हुआ जो जीरा पाउडर होता है ना, ये जो साबुत जीरा होता है मैंने उसको तवे पे रख के ड्राई रोस्ट किया है, सूखे तवे पे उसको भून लिया है, जब ठंडा हुआ है उसको मैंने मिक्सी में डाल के इस तरह से पाउडर बना के रख लिया है, उसी पाउडर का मैंने यूज़ किया है। इसमें जो आपका इस पानी का स्वाद है वो बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास पानी पूरी मसाला है तो आप पानी पूरी मसाला डाल लें, और अगर नहीं है तो इस तरह से मार्केट में जलजीरा का पाउडर पैकेट आपको मिल जाएगा, तो वही पाउडर मैं इसमें डाल ले रही हूँ, एक पैकेट जलजीरा। ये अगर आप 500 ml पानी ले रहे हैं तो एक पैकेट जलजीरा मिलाएं, और अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उस समय आप 2 पैकेट जलजीरा का यूज करें। मैं यहाँ 1/2 लीटर पानी का ही यूज कर रही हूँ। देखिए इस तरह से अब इन सारे सामग्रियों को हम लोग बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग मिलाएंगे एक पूरा नींबू। देखिए ये नींबू आप इस तरह से ले लें और इसे पूरा आप निचोड़ लें इसमें। देखिए इस तरह से मैं पूरा नींबू का रस को इसमें निचोड़ लूंगी। अब इसको हम लोग मिला देंगे। नमक मिर्च आप चेक कर ले, कुछ लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर भी यूज करते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने जो हरी मिर्च डाली थी थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी पे डाला था। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद, आप भी बनाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। बनके तैयार है गुपचुप के लिए खट्टी मीठी चटनी, और जो स्पाइसी तीखी वाली जो चटनी होती है ना वो, घर पे ही बनाएं और इसका आनंद उठाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।